हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 14 फरवरी 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है अतुल कुमार गुप्ता को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप जो फोटो में देख रहे हैं अतुल कुमार गुप्ता, जिनको भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का नया अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1949 को, जो कि भारत में अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल ऑडिट के लिए रिस्पॉन्सिबल संस्था है, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर दो है, हाल ही में भारतीय बैंक संघ के द्वारा बैंकिंग प्रौद्योगिकी 2019 पुरस्कारों में प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो भारतीय बैंक संघ के द्वारा बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया साउथ इंडियन बैंक को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। साउथ इंडियन बैंक को बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2019 टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की श्रेणी में सबसे अधिक ग्राहक आकर्षित करने के लिए दिया गया है। किसके द्वारा? भारतीय बैंक संघ के द्वारा, इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा। साउथ इंडियन बैंक, जो कि एक प्राइवेट बैंक है जिसका मुख्यालय केरला के थ्रिसूर शहर में, साउथ इंडियन बैंक के वर्तमान में CEO हैं वीजी मैथ्यू। अब आपको यहाँ से एक दूसरी बैंक का नाम याद रखना, जिसका नाम है कैथोलिक सीरियन बैंक। कैथोलिक सीरियन बैंक का भी मुख्यालय है केरला के थ्रिसूर शहर में। तो ये दो बैंकों का नाम आपको याद रखना है, साउथ इंडियन बैंक, कैथोलिक सीरियन बैंक, जो कि दोनों प्राइवेट बैंक हैं। इन दोनों बैंकों का मुख्यालय केरला के थ्रिसूर शहर में। यहाँ पर बात हुई है भारतीय बैंक संघ की, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। भारतीय बैंक संघ, जिसको हम इंग्लिश में इंडियन बैंक एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, जो कि भारत में सभी बैंकों का एक फोरम है, एक वित्तीय फोरम है, जिसके वर्तमान में चेयरमैन है रजनीश कुमार, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। CEO हैं सुनील मेहता, जो कि पंजाब नेशनल बैंक के CMD हैं। इंडियन बैंक एसोसिएशन का मुख्यालय मुंबई में, इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। इंडियन बैंक एसोसिएशन के ही द्वारा बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है साउथ इंडियन बैंक को। क्वेश्चन नंबर तीन है, हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र, जो कि दिल्ली में स्थित है, इसका नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। सुषमा स्वराज, जो कि भारतीय जनता पार्टी की नेता तथा पूर्व विदेश मंत्री थी, जिनका पिछले साल निधन हो गया था, इन्हीं के नाम पर प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम रखा गया है। जो प्रवासी भारतीय केंद्र था, अब इसका नया नाम हो गया है सुषमा स्वराज भवन व विदेश सेवा संस्थान। तो आपको याद रखना है, प्रवासी भारतीय केंद्र, जो कि दिल्ली में स्थित है, इसका नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन व विदेश सेवा संस्थान कर दिया गया है। जो प्रवासी भारतीय दिवस है, ये हर साल मनाया जाता है 9 जनवरी को। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, और प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर नया नाम रख दिया गया है सुषमा स्वराज भवन व विदेश सेवा संस्थान, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, सुषमा स्वराज। इसके अलावा मैंने कल डिस्कस किया था राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, जो कि फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है, इसका नाम बदलकर अब नया नाम रख दिया गया है अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान। कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर नया नाम रख दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। रोहतांग सुरंग, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसका नाम बदलकर नया नाम रख दिया गया है अटल सुरंग। चेनानी नासी सुरंग, जो कि भारत की सबसे लंबी सुरंग है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, इसका नाम बदलकर नया नाम रख दिया गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, जो कि दिल्ली में स्थित है, इसका नया नाम रख दिया गया है अरुण जेटली स्टेडियम। तो ये हैं कुछ नाम जिनका नाम बदला गया, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चार, हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2020 का मनाया गया, तो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे जो है ये हर साल मनाया जाता है 12 जनवरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया गया है 12 फरवरी को। किसके द्वारा ये मनाया जाता है? तो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे जो है ये मनाया जाता है राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के द्वारा। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल 12 से 18 फरवरी तक मनाएगा राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि
कि राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा, तो राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह मनाया जाएगा 12 से 18 फरवरी 2020 तक। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के वर्तमान में महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल हैं अरुण कुमार झा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस कंपनी ने पहले सेफ्टी नामक सार्वजनिक जागरूकता पहल की घोषणा की है, तो पहले सेफ्टी नामक जो सार्वजनिक जागरूकता अभियान है इसको शुरू किया गया है गूगल इंडिया के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ए। पहले सेफ्टी क्या है, तो पहले सेफ्टी जो अभियान है जिसका उद्देश्य है लोगों को इंटरनेट का उपयोग करते समय सुरक्षा उपायों के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा गूगल ने ऑलरेडी सिक्योरिटी चेकअप, पासवर्ड चेकअप नामक टूल भी लॉन्च किए हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड जो हैं। तो आपको याद रखना है पहले सेफ्टी नामक जो अभियान है इंटरनेट का उपयोग करते हुए सुरक्षा कारणों से लॉन्च किया गया है गूगल इंडिया के द्वारा। गूगल जो कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसके सीईओ हैं भारतीय मूल के व्यक्ति सुंदर पिचाई। गूगल कंपनी की पैरेंट कंपनी है अल्फाबेट कॉर्पोरेशन जिसके भी सीईओ हैं सुंदर पिचाई। गूगल कंपनी का मुख्यालय है अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के माउंटेन व्यू शहर में। गूगल कंपनी के फाउंडर हैं दो लोग, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। तो इतने क्वेश्चन आपको गूगल कंपनी से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका नाम था क्लिमफिसकॉन 2020 का आयोजन किस राज्य में हुआ है, तो जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्लिमफिसकॉन 2020 का आयोजन हुआ है केरल के कोची शहर में, जहां पर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इकोसिस्टम, फिशरीज तथा फूड सिक्योरिटी से बातचीत की गई। तो आपको याद रखना है जलवायु परिवर्तन पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्लिमफिसकॉन 2020 का आयोजन किया गया केरल के कोची शहर में। केरल राज्य के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनियारी विजयन। इसके अलावा केरल के कोची शहर में ही भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री उत्पाद शो 2020 का आयोजन हुआ है। केरल के कोची शहर में ही समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर वैश्विक बैठक का आयोजन हुआ है। केरल के कोची शहर में ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट एसएन 2020 का भी आयोजन हुआ है। केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने CAA यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। केरल सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस के कारण होने वाले रोग को राज्य की आपदा स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। ओनम केरल राज्य का महत्वपूर्ण त्यौहार है, प्रसिद्ध त्यौहार है। कथकली केरल राज्य का प्रमुख नृत्य है। इसके अलावा आपको केरल राज्य से एक मंदिर का नाम याद रखना है, सबरीमाला मंदिर जो कि केरल राज्य के पठानमथिट्टा जिले में स्थित है, और जो सबरीमाला मंदिर है ये भगवान अयप्पा का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द थिन माइंड मैप बुक किसके द्वारा लिखी गई है, द थिन माइंड मैप पुस्तक जो है ये लिखी गई है धर्मेंद्र राय के द्वारा। तो आपको याद रखना है द थिन माइंड मैप जो बुक है ये लिखी गई है धर्मेंद्र राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस वर्ल्ड रेडियो डे 2020 कब मनाया गया, तो विश्व रेडियो दिवस हर साल मनाया जाता है 13 फरवरी को। इस दिन ये जो दिवस है विश्व रेडियो दिवस ये मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व रेडियो दिवस मीडिया में रेडियो के महत्व और लोगों के बारे में इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। यूनाइटेड नेशंस जिसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। यूनाइटेड नेशंस के वर्तमान में हेड हैं एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल देश से हैं। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। जो विश्व रेडियो दिवस 2020 था इसका थीम था, विषय था रेडियो एंड डाइवर्सिटी। तो ये थीम भी आपको याद रखना है, विश्व रेडियो दिवस 2020 का थीम था, विषय था रेडियो एंड डाइवर्सिटी। इसके अलावा 13 फरवरी को ही भारत में हर साल मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। क्यों, क्योंकि 13 फरवरी 1879 को सरोजनी नायडू जी का जन्म हुआ था। इन्हीं के नाम पर भारत में हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। सरोजनी नायडू जो कि भारत के किसी भी राज्य की पहली राज्यपाल थी, ये पहली बार राज्यपाल बनाई गई थी उत्तर प्रदेश राज्य की। तो आपको दो क्वेश्चन याद रखना है,
13 फरवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस, और 13 फरवरी को ही भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो उत्तर होगा 8 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में अखिल भारतीय शतरंज संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अखिल भारतीय शतरंज संघ यानी कि इंडियन चेस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया अजय पटेल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब हम कुछ अन्य खेलों से जो रिलेटेड संस्थाएं हैं उनके अध्यक्ष के नाम देख लेते हैं। जैसे तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया अर्जुन मुंडा को। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष हैं मोहम्मद मुश्ताक अहमद। भारत के टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं प्रवीण महाजन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। तो ये हैं कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड संस्थाएं जिनके आपको अध्यक्ष का नाम याद रखना है। वर्तमान में भारत के युवा कार्य और खेल मंत्री हैं किरेन रिजिजू। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में एयर इंडिया के नए चेयरमैन व सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर इंडिया के नए चेयरमैन और सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है राजीव बंसल को। एयर इंडिया के सीएमडी व चेयरमैन थे अश्विनी लोहानी, जिनका अब कार्यकाल पूरा हो गया है, तो इनकी जगह पर अब नए चेयरमैन व सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है राजीव बंसल को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं एयर इंडिया कंपनी के नए सीईओ और अध्यक्ष राजीव बंसल। एयर इंडिया कंपनी जो कि भारत की एक सरकारी एयरलाइंस कंपनी है जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में द्वितीय बिमेस्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा विद डिटेल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर्स के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले